आज 21वीं सदी है। आज के समय में दो तरह के लोग समाज में उपस्थित हैं, एक वो जो ईश्वर और उनकी लीलाओं में विश्वास करते हैं और एक वो जो दुनिया को विज्ञान की नज़र से देखते हैं। लेकिन दोनों के मत अलग अलग हो सकते हैं, परंतु आज भी भारत में कई ऐसे मंदिर हैं जो रहस्यों से भरे हुए हैं। इस भारत देश में हर मंदिर की अपनी एक गाथा है और एक विशेष महत्व है, और न जाने ऐसे कितने मंदिर हैं इस भारत देश में जिनके अपने महत्व और एक विशेष प्रकार की आस्था है। इन मंदिरों में ऐसा ही एक मंदिर है, मेहंदीपुर बालाजी मंदिर। राजस्थान के दौसा जिले के पास दो पहाड़ियों के मध्य मेहंदीपुर बालाजी का मंदिर बसा हुआ है, और इस मंदिर में आपको विचित्र से विचित्र प्रकार के नज़ारे देखने को मिल जाएंगे, और ऐसे ऐसे नज़ारे देखने को मिलेंगे जिन्हें देखकर लोगों की रूह तक कांप जाए। और जो व्यक्ति ऐसे नज़ारों को पहली बार देखता है वो डरने के साथ साथ हैरत में भी पड़ जाता है। आखिर ये होता है तो होता कैसे है? आज के समय की विज्ञान भूत प्रेत और बाधाओं को नहीं मानती, लेकिन यहाँ हर रोज दूर दूर से ऊपरी चक्कर और प्रेत बाधाओं से परेशान होकर इन दिक्कतों से मुक्ति प्राप्त करने के लिए आते हैं। भूत प्रेत आदि ऊपरी बाधाओं के निवारण के लिए आने वालों का तांता लगा रहता है इस मंदिर में। प्रेतराज सरकार और भैरव बाबा यानी कि कोतवाल कप्तान की मूर्ति विराजमान है। मेहंदीपुर बालाजी की बाई छाती में एक छोटा सा छिद्र है, इससे निरंतर जल बहता रहता है। ऐसी मान्यता है कि यह बालाजी का पसीना है। इस मंदिर में तीन देवता विराजते हैं, एक तो स्वयं बालाजी, दूसरे प्रेतराज और तीसरे भैरव, जिन्हें कप्तान कहा जाता है। बालाजी मंदिर की एक खास बात है कि यहाँ बालाजी भगवान को चावल और भैरव को उड़द का प्रसाद चढ़ाया जाता है। कहते हैं कि बालाजी के प्रसाद के दो लड्डू खाते ही भूत प्रेत से पीड़ित व्यक्ति के अंदर मौजूद भूत प्रेत छटपटाने लगता है और अजब गजब हरकतें करने लगता है। मेहंदीपुर बालाजी के दर्शन करने वालों के लिए कुछ कड़े नियम हैं। यहाँ आने से कम एक सप्ताह पहले लहसुन प्याज अंडा मांस शराब का सेवन बंद करना होता है। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात, आमतौर पर मंदिर में भगवान के दर्शन करने के बाद लोग प्रसाद घर लेकर जाते हैं, परंतु मेहंदीपुर बालाजी मंदिर से भूल कर भी प्रसाद को घर नहीं लाना है, क्योंकि ऐसा करने से आपके ऊपर प्रेत साया आ सकता है। यहाँ पर चढ़ने वाले प्रसाद को दरखास्त या अर्जी कहते हैं। मंदिर में दरखास्त का प्रसाद लगने के बाद वहाँ से तुरंत निकलना होता है, और अर्जी का प्रसाद लेते समय उसे तुरंत पीछे की ओर फेंकना होता है, और इस समय प्रसाद फेंकते समय पीछे भी नहीं देखना होता है। और अंत में एक बात, बालाजी जाएं तो सुबह और शाम की आरती में शामिल होकर आरती में प्रयोग पानी के छींटे अपने ऊपर जरूर लेने चाहिए। ये आरती में प्रयोग पानी के छींटे रोग मुक्ति एवं ऊपरी चक्कर से आपकी रक्षा करने का कार्य करती है। जहाँ तक हमारी उम्मीद है कि आज की इस वीडियो से आपको मेहंदीपुर बालाजी से जुड़ी काफी जरूरी और महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त हुई होगी, और आशा है कि आप सभी लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो इस वीडियो में बताई बातों का विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। बालाजी भगवान आप सभी की रक्षा करें। आशा है आज की वीडियो काफी इंटरेस्टिंग और ज्ञानवर्धक लगी होगी। आगे भी ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को बनाने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।